कि जो है सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, पूरी तरह से थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, ठीक है, और थ्योरी पर बेस्ड है। और एक सेकंड, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सरफेस केमिस्ट्री की सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में कि सरफेस केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो जैसा नाम को ही देख करके पता चल रहा है कि सरफेस केमिस्ट्री यानी कि सरफेस की स्टडी करेंगे, सरफेस की केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे। लेकिन जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री एक्चुअली में केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम उन फिनोमिना की स्टडी करते हैं जो कि किसी सरफेस पर होता है, या फिर वो बाउंड्री जो कि दो फेज को अलग अलग करती है, उस बाउंड्री पर होने वाले जो प्रोसेस है, ठीक है, उसकी जो स्टडी करते हैं हम, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन। तो हम कह सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी, डील विद द स्टडी ऑफ द फिनोमिना ऑकरिंग एट द सरफेस और द बाउंड्री सेपरेटिंग टू फेजेस। देखिए, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली हमें अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए आपके पास में लिक्विड और सॉलिड है या लिक्विड और गैस है, तो यहां पर अगर आप देखें कि इस तरह से कोई कंटेनर में आपके पास यहां लिक्विड भरा हुआ है और यहां पर गैस है, तो अब ये दो अलग अलग फेज हो गई, एक फेज गैस है और एक फेज लिक्विड है। तो इसको अलग करने वाली जो बाउंड्री लाइन है, दिस इज द बाउंड्री लाइन, तो इस पर कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, कौन कौन से फिनोमिना हो रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो स्टडी हम कर रहे हैं कि सरफेस पर होने वाले फिनोमिना की जो स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। उसको क्या कहा जाता है, सरफेस केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अब सरफेस केमिस्ट्री एक्चुअली पूरा चैप्टर बेटा थ्योरेटिकल बेस्ड है, ध्यान रखना पूरा का पूरा थ्योरी पर बेस्ड है, नहीं इसमें कोई न्यूमेरिकल है, कोई ज्यादा डेरिवेशन वगैरह टाइप की चीज भी नहीं है इसमें, छोटे मोटे एक दो जगह फॉर्मूले आ सकते हैं, बाकी जनरली 90% ये थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमारे काम में आएंगी, उनको देखेंगे हम पहले, उसके बाद इसके डीप के अंदर जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं अपन कि इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है ना, सम इंपोर्टेंट टर्म्स। अब पहली टर्म की जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज एड्सॉर्प्शन, एक टर्म आती है हमारे पास एड्सॉर्प्शन, ठीक है, कि एड्सॉर्प्शन किसको कहते हैं। एक्चुअली ये जो एड्सॉर्प्शन वर्ड है ये एब्जॉर्प्शन से मिलता जुलता है, तो बच्चे कई बार क्या होता है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या चीज है। देखो, एड्सॉर्प्शन में जैसा कि डी दिख रहा है यहां पर, तो एब्जॉर्प्शन से डिफरेंट है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे आपके पास लिक्विड फिल कर रखा है यहां पर, इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर जब गैस के पार्टिकल्स वीक फोर्स से जुड़ जाएंगे, या फिर आपके पास जो सॉलिड है, ये एक सॉलिड है, सॉलिड के सरफेस के ऊपर गैस या लिक्विड के पार्टिकल किसी वीक फोर्स से या वंडरवॉल फोर्स से फिजिकली या केमिकली जब जुड़ जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ये केवल सरफेस पर होता है, ठीक है ना, ये अंदर नहीं होता, बल्क के अंदर नहीं होता है, इट टेक्स प्लेस ओनली ऑन द सरफेस। ठीक है, तो ऐसा जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो अगर अपन इसको डिफाइन करते हैं तो मैं एब्जॉर्प्शन के लिए क्या कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि जो सरफेस पर अगर कोई लिक्विड या सॉलिड है, लिक्विड या सॉलिड की सरफेस के ऊपर
जो गैस के पार्टिकल या लिक्विड के पार्टिकल जो है वो धीरे धीरे रिटेन करने लग जाते हैं, वहां रुकने लग जाते हैं, ठहरने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं एडसॉर्प्शन क्या है, द प्रोसेस इन विच सम गैस और लिक्विड पार्टिकल्स रिटेन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, लिक्विड या सॉलिड के सरफेस के ऊपर अगर कोई गैस के पार्टिकल रिटेन कर रहे हैं, ठीक है, जुड़ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं कि वो प्रोसेस जो है एडसॉर्प्शन प्रोसेस है, जैसा मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया। तो अब इसमें ना दो चीजें होती है, देखो इस चीज को समझना आप। जैसे ये सॉलिड है और सॉलिड के सरफेस पर मैंने कहा यहां पर गैस के या लिक्विड के पार्टिकल वीक फोर्स से जुड़ गए हैं, इस तरह से, इसमें वीक फोर्स से या फिर केमिकली स्ट्रॉन्ग फोर्स भी हो सकती है, इस तरह से जुड़ गए हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस हो रहा है कि गैस के पार्टिकल जो है वो सरफेस पर आकर के बाइंड हो रहे हैं, इस प्रोसेस को तो हम लोग एडसॉर्प्शन कह रहे हैं, इस प्रोसेस को तो एडसॉर्प्शन प्रोसेस कह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपके पास सॉलिड है, ठीक है, जहां पर एडसॉर्प्शन हो रहा है, जिसके सरफेस पर एडसॉर्प्शन हो रहा है, उस सॉलिड को आप क्या बोलते हैं, एडसॉर्बेंट। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एडसॉर्बेंट कहते हैं। और ये जो गैस के पार्टिकल है जिसका एडसॉर्प्शन हो रहा है, या लिक्विड भी हो सकता है, इसे एडसॉर्बेट कहते हैं, एडसॉर्बेट। तो ये चीज समझ में आ गई। देखो एडसॉर्बेट तो क्या है, गैस और लिक्विड, लिक्विड विच एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस, सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट। ठीक है, एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं उन्हें एब्जॉर्बेट कहते हैं। और एब्जॉर्बेंट क्या है, सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड विच प्रोवाइड प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर एडसॉर्प्शन, जो एडसॉर्प्शन के लिए अपना सरफेस प्रोवाइड करा रहे हैं। क्योंकि जब एडसॉर्प्शन हुआ तो एडसॉर्प्शन के टाइम पर जो ये सरफेस प्रोवाइड कराने का काम है वो किसने किया, इस सॉलिड ने किया। तो सॉलिड क्या हो गया, एडसॉर्बेंट। और जो पार्टिकल गैस के इसके ऊपर जाकर के जुड़ रहे हैं उन गैस के पार्टिकल को हम लोग क्या कह रहे हैं, एडसॉर्बेट कह रहे हैं। तो इसके अंदर ये दो टर्म भी इंपोर्टेंट है, पता होना चाहिए हमें, बार बार काम आएगी कि एडसॉर्बेंट किसे कहते हैं, एडसॉर्बेट किसे कहते हैं और एडसॉर्प्शन किसे कहते हैं। ठीक है, इसी से ही मिलती जुलती एक छोटी सी टर्म और आती है जिसे हम लोग बोलते हैं नंबर 2, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में, और इसमें देखो डी और बी का डिफरेंस है केवल। ठीक है, तो यहां पर मैं एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूं। तो एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर नहीं बल्क के अंदर भी गैस के पार्टिकल घुस जाते हैं। जैसे आप देखो इसमें यूं समझ सकते हो कि ये हमारे पास लिक्विड है और ये गैस के पार्टिकल है। अब ये गैस के पार्टिकल न केवल सरफेस पर बल्कि इस तरह से लिक्विड के अंदर भी एंटर कर जाएंगे, और जब लिक्विड के अंदर एंटर कर गए तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन व्हेन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड और गैस एंटर द बल्क बल्क ऑफ सॉलिड, सॉलिड और लिक्विड एडसॉर्बेंट। ठीक है, सॉलिड या लिक्विड जो एडसॉर्बेंट है, अगर उसके अंदर कोई भी गैस के पार्टिकल एब्जॉर्ब हो गए, उसके अंदर तक समा गए, उसके अंदर एंटर कर गए, तो उसको अपन एब्जॉर्बेंट नहीं बोलेंगे, सॉरी इसको लिक्विड सब्सटेंस बोल दो आप, है ना, क्योंकि वो तो फिर एब्जॉर्प्शन के अंदर आएगा, लिक्विड सब्सटेंस, सॉरी। ठीक है ना, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड और गैस एंटर्स द बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस,
सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस जो बल्क के अंदर है उसके अंदर एंटर हो जाए तो उसे अपन लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। अब इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। देखो चलिए एक बार इसको मैं ऊपर से रफ कर रहा हूं, इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल में देखिए एक आता है कि सिलिका जेल, आपने नाम सुना होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास में एक क्लोज्ड वेसल है, एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने सिलिका जेल को डाल दिया, ठीक है, और उसके अंदर मॉइस्ट एयर है, ये क्लोज्ड कंटेनर है और यहां पर आपने एक सिलिका जेल सब्सटेंस को डाल दिया, सिलिका जेल, और इसके अंदर मॉइस्चर है, ये जो एयर है यहां पर ये मॉइस्ट एयर है, इसके अंदर मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर का मतलब एयर विद वाटर, वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स है यहां पर। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये मॉइस्चर जो है ना ये इसके सरफेस के ऊपर आकर के जुड़ने लग जाएगा, ठीक है, इसके सरफेस के ऊपर आकर के जुड़ने लग जाएगा और एयर जो है वो ड्राई हो जाएगी। तो ऐसा जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको अपन एड्सॉर्प्शन कह रहे हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, एड्सॉर्प्शन। इस एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर सिलिका जेल के बल्क के अंदर नहीं जाता है, जो ये मॉइस्चर है या जो कहें कि वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो इसके बल्क के अंदर नहीं जाएगा, केवल सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा, सरफेस के ऊपर आकर के जुट जाएगा, उसका हम एड्सॉर्प्शन कह रहे हैं। इसी तरह से एक और होता है, जैसे व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर, आपने सुना होगा जो शुगर को जब रिफाइन किया जाता है, शुगर शुगर केन से बनती है, ठीक है, लेकिन ये शुगर जो होती है वो कलर में थोड़ी सी येलोइश होती है और इसको जब रिफाइन किया जाता है तो फिर वो जाकर के व्हाइट कलर में कन्वर्ट होती है। लेकिन ये रिफाइनमेंट का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से किया जाता है इसको समझना है अभी। तो इसमें जो रॉ शुगर होती है इसको हम लोग क्या करते हैं, एनिमल चारकोल में से गुजारते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये रॉ शुगर है जो येलोइश है, ठीक है, येलोइश है, और इसके अंदर अगर अपन जैसे मान लीजिए इसको मैं यूं रफली बना देता हूं थोड़ा सा, कि आपने इसके सॉल्यूशन को और यहां पर हमने कोई इस तरह का अरेंजमेंट कर रखा है कि यहां हमारे पास में जो है वो है एनिमल चारकोल है यहां पर, ठीक है, ये आपके पास एनिमल बोन चारकोल कह सकते हैं, बोन चारकोल, ये एनिमल बोन चारकोल है। तो इसमें से जब आप इस येलोइश शुगर को गुजारेंगे, पास करेंगे, और पास होने के बाद जब हमें यहाँ शुगर ऑब्टेन होगी, मान लो आगे जहां पर भी आप इसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ येलोइश थी और ये बिल्कुल कैसी हो जाएगी, व्हाइट हो जाएगी, या कहेंगे ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, येलोइशनेस इसका डिसअपीयर हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो एनिमल चारकोल है यहां पर ये एड्सॉर्बेंट का काम करता है, ठीक है, ये क्या करता है उसके येलो कलर को एड्सॉर्ब कर लेता है, तो ये भी एड्सॉर्प्शन है, ठीक है, सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन होता है इसके अंदर। तो ये दो एग्जांपल थोड़ा ध्यान रखे हैं एड्सॉर्प्शन के, और भी बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे एड्सॉर्प्शन के बारे में, लेकिन अगर अपन एब्जॉर्प्शन से कंपेयर करें इसको, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जैसे देखिए वाटर है, आपने देखा होगा वाटर में अगर थोड़ा सा अमोनिया मिला दिया जाए, ठीक है, अमोनिया गैस को उसके अंदर से पास किया जाए तो वाटर जो है वो पूरा वाटर जो है वो क्या बना लेता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो ये किसका एग्जांपल है, ये एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें होगा क्या, आपके पास सपोज कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर यहां पर वाटर है और यहां आप अमोनिया गैस इसके अंदर पास कर रहे हैं पाइप से या किसी भी चीज से, तो अमोनिया गैस जैसे इसके अंदर आएगा तो इस पूरे बल्क के अंदर रिएक्शन करेगा और वाटर और ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां अमोनिया गैस का एब्जॉर्प्शन हुआ है इसके अंदर, एब्जॉर्प्शन केवल सरफेस पर होता है और एब्जॉर्प्शन जो है वो पूरे बल्क के अंदर होता है, ठीक है, तो ये पूरे सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, तो हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन हो गया। ऐसे आप देखो चौक आता है, चौक सुना होगा आपने, ठीक है, तो चौक के अंदर क्या होता है, जैसे चौक स्टिक होती है, इस चौक स्टिक को अगर आप देखें तो इस चौक स्टिक को आप थोड़ा सा ना इस पानी के अंदर डिप करना, ठीक है, जैसे आप इसको पानी में डिप करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे बिल्कुल अंदर तक समा जाएगा वाटर इसके, इसको ब्रेक करके देखेंगे तो वाटर इसके बिल्कुल अंदर तक चला गया है, बल्क के अंदर तक एंटर हो गया है। तो इसका मतलब ये किसका एग्जांपल है, ये एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है, इसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन केवल सरफेस पर होगा और जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो वो बल्क के अंदर भी होता है।
ओके चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये तो बात हो गई एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन की एड्सोर्बेट और एड्सोर्बेंट की, ठीक है। फिर एक टर्म आती है इससे रिलेटेड थोड़ी सी, जिसको हम बोलते हैं डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन। अब ये डिजॉर्प्शन क्या होता है? देखो डिजॉर्प्शन एक्चुअली एड्सोर्प्शन का जस्ट अपोजिट है। अगर कोई गैस जो है वो सॉलिड के सरफेस के ऊपर, या कोई लिक्विड जो है वो सॉलिड के सरफेस के ऊपर जाकर के एब्जॉर्ब होता जा रहा है, ठीक है, जब तो एब्जॉर्प्शन है। लेकिन अगर वो रिमूव होता जा रहा है सरफेस से, तो उसे फिर हम क्या बोलेंगे? डिजॉर्प्शन हो रहा है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस, सरफेस ऑफ सॉलिड, या फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सोर्बेंट। एड्सोर्बेंट के सरफेस से जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है उसका रिमूव हो जाना, उसका बाहर निकल जाना जो है वो क्या कहलाता है? डिजॉर्प्शन कहलाता है। और ध्यान रखना ये जस्ट अपोजिट है। हाँ बोलिए बेटा। बेटा बल्क के अंदर जाएगा तो एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन यहां पर अपन क्योंकि एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं ना, ये एड्सॉर्प्शन का अपोजिट है, एब्जॉर्प्शन का नहीं है ना, यहां थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। हम अभी बात कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन की, ये इसका उल्टा है, एड्सॉर्प्शन का उल्टा है, ठीक है ना, और एब्जॉर्प्शन का उल्टा नहीं है। यानी ये है कि जैसे सॉलिड के सरफेस पर गैस के पार्टिकल पहले से थे, ठीक है, लेकिन अगर किसी कारण से, अब वो चाहे प्रेशर कम करने की वजह से या टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, ये गैस के पार्टिकल इसको छोड़ के जाने लग जाएंगे, सरफेस से हटने लग जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या हो रहा है? डिजॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारे पास में डिजॉर्प्शन है। और ये डिजॉर्प्शन होता कैसे? जैसा मैंने बताया, प्रेशर को डिक्रीज करके और टेम्परेचर को बढ़ाने से, दोनों से डिजॉर्प्शन होता है, यानी सरफेस पर से पार्टिकल हटने लग जाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इट कैन बी डन, इट कैन बी डन बाय रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग प्रेशर, प्रेशर एंड इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करके और प्रेशर को रिड्यूस करके आप डिजॉर्प्शन करा सकते हो। तो डिजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। एक टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्लूजन। अब ऑक्लूजन क्या होता है? देखिए नेक्स्ट है ऑक्लूजन। ऑक्लूजन क्या चीज है? अगर मान लीजिए ये जो एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस है, अगर वो किसी मेटल के सरफेस पर हो रहा है, पर्टिकुलर मेटल होना चाहिए, तो उस कंडीशन में उसका नाम ऑक्लूजन हो जाता है। तो ध्यान रखें कि एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन टेकिंग प्लेस, टेकिंग प्लेस एट द सरफेस ऑफ, सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल के सरफेस पर होने वाला जो एब्जॉर्प्शन है उसको हम कहते हैं ऑक्लूजन, वो ऑक्लूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ऑक्लूजन की। अब इसके बाद कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते भी हैं। हम किसी सब्सटेंस का अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ा सकते हैं? अब क्योंकि हमें पता है, देखो इंक्रीजिंग, यहां लिख देता हूं, इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। अब हमें पता है कि एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है बेटा वो एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पर होने वाला फिनोमिना है। तो अगर हम किसी सॉलिड का या लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ा दें तो डेफिनेटली डेफिनेटली उसके एब्जॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ऑफ एड्सोर्ब, एड्सोर्बेंट। जो आपके पास एड्सोर्बेंट है जिसके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। दूसरा आता है एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होता है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, जैसे मान लीजिए यही आपके पास में कोई सब्सटेंस है
जहां पर एडसॉर्प्शन हो रखा है। जब आप इसको गर्म करोगे तो गर्म करने पर क्या होगा, गर्म करने पर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और जो इसके कॉन्टेक्ट में पार्टिकल्स हैं उनकी भी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। और दूसरी बात देखो, जब एडसॉर्प्शन होता है ना बेटा, ध्यान रखना, तो उस समय कुछ एनर्जी निकलती है एडसॉर्प्शन के टाइम पर, ठीक है, हीट बाहर निकलती है, क्योंकि वीकली या स्ट्रॉन्गली जैसे भी पार्टिकल जुड़ रहे हैं, तो जब वो बॉन्ड बना रहे हैं, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो, तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे, जितनी एनर्जी रिलीज करेंगे उतने स्ट्रॉन्गली जुड़ते हैं, तो वापस से जब अपन उसको एनर्जी हीट देंगे तो इसका मतलब वो जो अट्रैक्शन फोर्स है उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने का काम करेगी और ये पार्टिकल निकलने लग जाएंगे। तो ध्यान रखना कि जो एडसॉर्प्शन होता है, एडसॉर्प्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो एडसॉर्प्शन कम हो जाएगा, ठीक है, और अगर टेम्परेचर को कम रखते हो तो एडसॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसी तरह से हम प्रेशर को भी देख सकते हैं, प्रेशर कैसे अफेक्ट करेगा, जैसे ये आपके पास कंटेनर है, इस कंटेनर में यहां आपने पिस्टन लगा रखा है, ठीक है, यहां तक आपके पास लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड और पिस्टन के बीच में यहाँ गैस के पार्टिकल है। अब अगर मान लो मैं यहाँ प्रेशर बढ़ाता हूँ, PEX को मैं बढ़ाता हूँ, तो क्या होगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाऊंगा तो पिस्टन नीचे आएगा, जैसे जैसे पिस्टन नीचे आएगा तो गैस ज्यादा से ज्यादा लिक्विड के कॉन्टेक्ट में आएगी, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एडसॉर्प्शन होता है, एडसॉर्प्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। अगर आप किसी भी सॉलिड का के ऊपर अगर गैस का जो प्रेशर है उसको बढ़ा रहे हो तो डेफिनेटली उसका एडसॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर इसको अफेक्ट कर सकता है। और एक फैक्टर और है, अपन अगर एडसॉर्प्शन बढ़ाना चाहें तो और कैसे बढ़ा सकते हैं, देखो और कौन सा प्रोसेस है। देखो अगर हम बात करें सॉलिड की, तो जैसे अभी मैंने कहा आपको कि जो एडसॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया से, तो एक तो सरफेस एरिया वैसे ज्यादा हो, और एक आप मैनुअली सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं, मैकेनिकली सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं। कैसे, जो सॉलिड है अगर आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पीसेस में, तो जितने पीसेस करेंगे उतने नए सरफेस उसके अंदर क्रिएट हो जाएंगे। अगर आप एक चीज को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो दो नए सरफेस उसके अंदर निकल जाएंगे, ठीक है, तो यानी सरफेस एरिया बढ़ गया। तो जितना ज्यादा माइन्यूटली डिवाइड करोगे, जितना ज्यादा तोड़ोगे उसको, उतना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो आप इंक्रीजिंग एडसॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तो बाय इंक्रीजिंग, सॉरी, बाय डिवाइडिंग सॉलिड सॉलिड इनटू इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है, स्मॉल पीसेस, तो छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दो उसको, PEI आएगा, पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दो तो क्या होगा, वो ज्यादा एडसॉर्प्शन करेगा। एक और पांचवा पॉइंट, कभी कभी क्या होता है बेटा, एडसॉर्प्शन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि पहले से सरफेस के ऊपर कितने पार्टिकल है या किसी के लेयर है या नहीं है। तो अगर मान लो पहले से कोई लेयर है तो एडसॉर्प्शन को स्लो कर देगा, तो अगर अपन उसको मान लो सॉरी रबिंग करके और उसके सरफेस को क्लीन कर देते हैं, ठीक है, या स्टीम से उसकी सरफेस को क्लीन कर देते हैं, तो सरफेस एक्सपोज हो जाएगा, दोबारा से वापस ओपन हो जाएगा नए पार्टिकल्स के लिए और उस पर एडसॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना कि उससे आप ना सरफेस एरिया को भी बढ़ा सकते हैं, जो स्मूथ एरिया होता है, जैसे मान लीजिए ये सरफेस स्मूथ है बिल्कुल, ठीक है, और इस सरफेस को देखो, ये वाला सरफेस स्मूथ नहीं है, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन से सरफेस का एरिया ज्यादा है, तो डेफिनेटली इसका सरफेस एरिया आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि ये रफ है। तो अगर अपन एरिया को रफ बना देते हैं, सरफेस एरिया को, तो भी हम उसे उस सरफेस एरिया को बढ़ा करके और एडसॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं। तो यहां ध्यान रखना, बाय मेकिंग सरफेस सरफेस रफ, ठीक है, सरफेस को रफ बना करके भी आप क्या कर सकते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि उसके ऊपर एडसॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है, ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं आप एक बार, जो अपन ने बताया टोटली थियोरेटिकल पोर्शन है ये, यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, चले आगे, चलिए ओके। तो ये तो सिंपल टर्म है अभी जो अपन ने एडसॉर्प्शन से रिलेटेड बात की है। अब हम ये बात करते हैं कि एडसॉर्प्शन होता क्यों है, ठीक है ना, एडसॉर्प्शन क्यों होता है।
हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन की, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म, ठीक है। अब समझते हैं, देखिए मान लीजिए हमारे पास में एक कंटेनर है समझने के लिए, और इस कंटेनर में हमारे पास लिक्विड यहां तक भरा हुआ है। इस लिक्विड में हम लोग क्या करते हैं, दो तरह के पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, एक तो वो पार्टिकल जो सरफेस के ऊपर है, एक पार्टिकल जो बल्क के अंदर बीच में कहीं पर है। अब हमें पता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसका हर एक पार्टिकल जो है वो चारों तरफ से दूसरे पार्टिकल से अट्रैक्टेड होता है, ठीक है, हर तरफ से अट्रैक्टेड होता है, और वो जो चारों तरफ से जो लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स है वो बैलेंस होती है बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स है इसके चारों ओर के पार्टिकल जो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं वो तो बैलेंस है, क्योंकि ये बिल्कुल बल्क के अंदर बीच में सेंटर में है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जो नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स, ठीक है, जो लग रही है इस पर वो जीरो है, क्योंकि चारों तरफ से इक्वल फोर्स लग रही है। बट अगर मैं इस पार्टिकल को कंसिडर करता हूं, आप देखना इस पार्टिकल को कंसिडर करता हूं, तो इस पार्टिकल में क्योंकि ये सरफेस पर है तो आपको पता है इसमें ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स लग ही नहीं रही, मतलब ऊपर तो पार्टिकल है ही नहीं, पार्टिकल केवल नीचे है और अगल बगल में, तो इसकी जो नेट फोर्स लगेगी, ठीक है, इसकी जो फोर्स लगेगी नेट फोर्स वो कहाँ लगेगी, इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ, अंदर की तरफ फोर्स लगेगी, और उस नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स की वजह से ये फोर्स जो है ये इम्बैलेंस हो गई है। तो यहां सरफेस के ऊपर जो फोर्स है इम्बैलेंस, इम्बैलेंस फोर्स लग रही है यहां पर, और इस इम्बैलेंस फोर्स की वजह से अगर कोई गैस का पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आता है तो उस इम्बैलेंस फोर्स को वो भी महसूस करेगा, ठीक है, वो उसको रियलाइज करेगा, तो उसकी वजह से एक अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा वो यहां पर सरफेस पर, और उसी की वजह से क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा, और उसी वजह से यहां पर एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। अब एक चीज और समझे कि सपोज ये हो रहा है एडजॉर्प्शन, तो एडजॉर्प्शन में क्या होता है, जब ये इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होती है, तो जैसा मैंने कहा था कि जितना हीट ये रिलीज करेंगे, जितना हीट ये रिलीज करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये हीट डिसाइड करेगी कि एडजॉर्प्शन में जो एडजॉर्प्शन हुआ है, मतलब गैस जो एडजॉर्ब हुई है एडजॉर्बेंट के सर्फेस के ऊपर, तो वो कितनी स्ट्रॉन्गली एडजॉर्ब हुई है वो इस बात पर डिपेंड करेगा हीट कितनी है। अब इस चीज को ना अपन ये भी समझा सकते हैं इसके अंदर कि इसका थर्मोडाइनेमिक क्या इफेक्ट होगा, इसकी इसी से अपन बता सकते हैं। तो इसको अपन यू लिख सकते हैं कि थर्मोडाइनेमिक, थर्मोडाइनेमिक, थर्मोडाइनेमिक इफेक्ट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो आपको ध्यान होगा कि जैसे यहां से हीट बाहर निकल रही है, तो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी, ठीक है। तो एंथैल्पी यहां पर बेटा इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, कोई मुझे बता सकता है इस प्रोसेस में, एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है बता सकते हैं? अच्छा पहले तो ये पता चलना चाहिए डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एंथैल्पी क्या होती है बेटा, एंथैल्पी होती है चेंज इन हीट, चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब डेफिनेटली हमारे चारों तरफ जो प्रेशर लगता है वो तो कांस्टेंट होता है 1 atm, तो अब हमारे चारों तरफ जो भी सब्सटेंस के अंदर हीट घट रही है या बढ़ रही है तो हम बोलेंगे उसकी एंथैल्पी चेंज हो रही है। तो यहां क्योंकि हीट बाहर निकल रही है तो इसका मतलब डेफिनेटली सब्सटेंस की एंथैल्पी घट रही है, तो यानी डेल एच की वैल्यू जो है यहां पर क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। एक और टर्म आती है दैट इज डेल एच, जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी चेंज। तो ये ध्यान है बेटा, कोई बता सकता है कि एंट्रोपी चेंज किसे कहते हैं, कोई आइडिया आपको, एंट्रोपी चेंज क्या होती है, कौन बता रहे, मतलब पता है कि एंट्रोपी चेंज, थोड़ा बहुत ध्यान होगा आपको इसके बारे में, 11th क्लास में पढ़ा है आपने, नो आइडिया। देखो एंट्रोपी चेंज होती है रेंडमनेस ऑफ, या हाँ मेजर ऑफ रेंडमनेस बोल सकते हैं इसको, इट इज मेजर ऑफ रेंडमनेस, रेंडमनेस इसका मतलब क्या होता है,
मेजर ऑफ रेंडमनेस का मतलब, रेंडमनेस का मतलब क्या हुआ? रेंडमनेस का मतलब हुआ डिस्टरबेंस, कोई भी सिस्टम कितना डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, कोई भी सिस्टम कितना डिस्टर्ब्ड है उसका जो मेजर होता है दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। जैसे गैस, सॉलिड, लिक्विड, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कौन है? गैस, तो गैस की एंट्रोपी सबसे हाई है। उससे कम डिस्टर्ब कौन है? लिक्विड। और सबसे कम डिस्टर्ब कौन है? सॉलिड। मतलब जिसमें पार्टिकल का मूवमेंट ज्यादा हो रहा है वो ज्यादा डिस्टर्ब है, और जो ज्यादा सेटल डाउन है पार्टिकल वो कम डिस्टर्ब है। तो अब अगर कोई गैस यहां पर एड्सॉर्ब हो रही है सरफेस पर, तो मुझे बताओ कि एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? सोच के बताओ, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? एक्चुअली क्या है, अपन ने क्या बोला है, मेजर ऑफ रेंडमनेस। अब रेंडमनेस या डिस्टर्बेंस तो कम हो रहा है क्योंकि पहले गैस के पार्टिकल मूव कर रहे थे और अब यहां जुड़ गए आकर के, ठीक है। तो हम ये कहेंगे यहां डेल एस की वैल्यू जो है वो भी कम हो रही है, ठीक है, दोनों चीजें कम हो रही है। अब अगर हम एक रिलेशन देखें जो हमने 11th क्लास में देखा था इनके बीच में, वो रिलेशन क्या था? वो रिलेशन था डेल जी इक्वल्स टू डेल एस माइनस टी डेल एस, अगर याद आ रहा हो तो। इसे हम लोग कह रहे थे गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ होल्ड्स इक्वेशन, इसे गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कहते हैं। तो यहां एक चीज और आ गई है डेल जी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो डेल जी अपन बात कर चुके हैं, इट इज फ्री गिव्स एनर्जी। और फ्री गिव्स एनर्जी क्या है, आप तो अभी तो इतना ध्यान रखें, अपन ने यहां पर इसका क्या यूज करना है कि मैंने कहा था कि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है, तो जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस वो स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होगा वो, जैसे अपन अब किसकी स्टडी कर रहे हैं, एड्सॉर्प्शन की, कि एड्सॉर्प्शन होगा या नहीं होगा। तो अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो एड्सॉर्प्शन होगा, और पॉजिटिव आएगी तो नहीं होगा। तो अब अगर मैं यहां ये वैल्यू रखता हूं, देखो डेल जी इक्वल टू ये नेगेटिव, डेल एस की वैल्यू एडजप्शन में, और टी ये भी नेगेटिव, ठीक है। तो ये कब हो रहा है? ड्यूरिंग एडजॉप्शन, एडजॉप्शन में ऐसा होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास डेल जी इक्वल टू माइनस डेल एस और माइनस माइनस प्लस टी डेल एस आ रहा है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर एडजॉर्प्शन हो रहा है और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर रहा हूं एडजॉर्प्शन में, तो टेम्परेचर इंक्रीज करना मतलब इसको बढ़ाना, ठीक है, टी डेल एस की वैल्यू बढ़ना। तो इसका मतलब डेल एस की वैल्यू जो है उससे टी डेल एस की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू पॉजिटिव है और डेल एस नेगेटिव है। तो यहां पर अगर मान लो इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव साइन के साथ है, तो हमारे पास डेल जी की वैल्यू क्या आएगी? डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब प्रोसेस क्या हो जाएगा? प्रोसेस प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप नहीं हो सकता, रिवर्स भी बोल सकते हैं, रिवर्स हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिवर्स का मतलब जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो उल्टा हो जाएगा, डिसॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। हमें अगर एड्सॉर्प्शन कराना है तो हम इसमें क्या करें? अगर हमें एड्सॉर्प्शन कराना है तो हम टेम्परेचर को क्या करेंगे? कम रखेंगे। जैसे अब अगर मैं मान लो टेम्परेचर को घटा देता हूं, टेम्परेचर को मैं डिक्रीज कर देता हूं, ठीक है, तो अगर मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो टी डेल एस की वैल्यू को डिक्रीज किया, ठीक है, तो उस कंडीशन में माइनस डेल एस की वैल्यू तो हो जाएगी ग्रेटर और टी डेल एस की वैल्यू हो जाएगी लेस। और उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि डेल जी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो नेगेटिव आएगी, और प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारे पास? जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और प्रोसेस का स्पॉन्टेनियस होना मतलब कि प्रोसेस जो है वो एड्सॉर्प्शन होगा, एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, एड्सॉर्प्शन होगा। तो अब हमें पता चल गया फेवरेबल कंडीशन क्या है एड्सॉर्प्शन के लिए, कि टेम्परेचर तो कैसा रहना चाहिए, उसमें कम रहना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एड्सॉर्प्शन की बजाय डिसॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका थर्मोडाइनेमिक एस्पेक्ट है, क्योंकि थर्मोडाइनेमिकली टेम्परेचर का इफेक्ट अपन को बताना है, समझाइए।
तो हम समझा सकते हैं कि टेम्परेचर कैसे एडसॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब बात आती है थोड़ा सा और आगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं दैट इज कि एडसॉर्प्शन एक्चुअली कितने टाइप का होता है। ठीक है, बेसिकली अगर हम एडसॉर्प्शन का क्लासिफिकेशन करते हैं तो टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन एक तो होता है आपके पास पॉजिटिव एडसॉर्प्शन, ठीक है, और एक होता है नेगेटिव एडसॉर्प्शन। तो पहले अपन पॉजिटिव एडसॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, पॉजिटिव एडसॉर्प्शन ये कहता है कि जब जो कंसंट्रेशन है एडसॉर्बेट की, ठीक है, जो गैस या लिक्विड जो एडसॉर्ब होती है उसको अपन एडसॉर्बेट कहते हैं। एडसॉर्बेट की कंसंट्रेशन जो है वो अगर सरफेस पर ज्यादा हो और बल्क के अंदर कम हो तो ऐसे एडसॉर्प्शन को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एडसॉर्प्शन। इस तरह समझें, जैसे ये आपके पास है एडसॉर्बेंट, ठीक है, सॉलिड है एडसॉर्बेंट, और इसके ऊपर गैस का एडसॉर्प्शन हो रहा है, यहां पर एडसॉर्प्शन हो रहा है इस तरह, कहीं कहीं थोड़े बहुत पार्टिकल अंदर भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन सरफेस के ऊपर एडसॉर्प्शन ज्यादा है, ठीक है। तो ये तो है गैस एट सरफेस और ये गैस पार्टिकल, गैस इन बल्क। जैसे मैंने कहा कि यहां आप देखो बल्क में जो गैस के पार्टिकल है जिसको अपन एडसॉर्बेंट कह रहे हैं वो कम है, बल्कि सरफेस के ऊपर ये इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अगर एडसॉर्बेट सरफेस पर ज्यादा हो या सरफेस पर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो और बल्क के अंदर कम हो तो ऐसा एडसॉर्प्शन क्या कहलाता है, पॉजिटिव एडसॉर्प्शन कहलाता है। वहीं अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव एडसॉर्प्शन, ठीक है, नेगेटिव एडसॉर्प्शन में क्या होगा, सेम वही चीज लेकिन अपोजिट प्रोसेस हो जाएगा कि बल्क में सपोज आपके पास एडसॉर्बेंट के पार्टिकल ज्यादा चले गए और सरफेस के ऊपर कम है, ठीक है, सरफेस के ऊपर कम है तो यहां पर ये भी एडसॉर्बेट है, ये एडसॉर्बेट है, ठीक है, और ये एडसॉर्बेंट है, एडसॉर्बेंट। तो यहां पर हम कह रहे हैं एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेट एट सरफेस, ठीक है, सरफेस पर कम है और एडसॉर्बेट इन बल्क, बल्क में ज्यादा चला गया तो ऐसा एडसॉर्प्शन क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है ना। अगर कंसंट्रेशन आपके पास अंदर तो सिर्फ ज्यादा हो गई और सरफेस के ऊपर कम हो गई तो ऐसे ऐसे को अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन नेगेटिव एडसॉर्प्शन कहेंगे, ठीक है। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नेगेटिव और पॉजिटिव एडसॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, देखिए देखिए इसका एग्जांपल हो सकता है व्हेन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ केसीएल, पोटेशियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं और उसको ब्लड चारकोल के अंदर मिलाते हैं अपन, तो इट शोज पॉजिटिव एडसॉर्प्शन। बट देखो जैसे मान लीजिए यहां पर अपन ने ले लिया ब्लड चारकोल, ब्लड चारकोल क्या होता है बेटा, ब्लड चारकोल होता है जो ब्लड होता है, ठीक है, वो ड्राइड फॉर्म में जब होता है और वो एडसॉर्प्शन की टेंडेंसी रखता है तो उसको अपन ब्लड चारकोल कह रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, केसीएल के सॉल्यूशन को एक्वस फॉर्म में मिला देते हैं, तो ये ब्लड चारकोल क्या करेगा कि जब आप ब्लड चारकोल, जैसे ये सबस्टेंस है ब्लड चारकोल, तो इसके अंदर अगर हम इसको केसीएल के सॉल्यूशन में डालेंगे तो केसीएल जो है ना वो सरफेस के ऊपर ज्यादा होगा और अंदर कम जाएगा, अंदर कम इसकी कंसंट्रेशन होगी। वहीं अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक्वस सॉल्यूशन ले लेता हूं, ठीक है, डाइल्यूट कर देता हूं इसको, डाइल्यूट सॉल्यूशन केसीएल का अगर मैं लेता हूं तो वो नेगेटिव शो करेगा, अच्छा इसमें वो है कंसंट्रेटेड और दोनों के साथ अलग अलग होगा, जैसे एक्वस है लेकिन इसको ना कंसंट्रेटेड ले लो, कंसंट्रेटेड केसीएल अगर आप लेते हो, कंसंट्रेटेड ओके, तो यहां पर सरफेस के ऊपर ज्यादा रहेगा। और यही चीज अगर मान लो आप ऐसे लेते हो, ठीक है, जैसे ये केसीएल ले लिया आपने और यहां पर डाइल्यूट ले लेते हो, डाइल्यूट केसीएल, तो डाइल्यूट केसीएल जो है ना वो अंदर ज्यादा चारकोल है, ठीक है, तो अंदर ज्यादा
हाँ बिल्कुल, अंदर ज्यादा चला जाएगा और सरफेस पर कम रहेगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये नेगेटिव एडसॉर्प्शन को शो करेगा। हाँ अब बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? ब्लड चारकोल, एक्चुअली बेटा देखो चारकोल टर्म क्या होती है, यहाँ थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं चारकोल कोई जैसे मतलब कोयले जैसी चीज है। एक्चुअली चारकोल उन सब सब्सटेंस को कह रहे हैं अपन जिसमें एडसॉर्प्शन का नेचर होता है, ठीक है? जैसे एक तो अभी अपन ने जिक्र किया था बोन चारकोल, बोन चारकोल होता है, एक ब्लड चारकोल होता है, ठीक है? सिलिका भी चारकोल का काम कर सकता है, एलुमिना भी चारकोल का काम कर सकता है। लेकिन ये क्या अलग अलग सबस्टेंस जो एड्सॉर्प्शन का नेचर रखते हैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सबस्टेंस के लिए, तो उनके लिए वो चारकोल का काम करते हैं। जैसे अपन ने कहा कि शुगर को जब अपन क्लीन करते हैं, एक्चुअली जो चीनी होती है वो पीले रंग की, मतलब शुगर का जो सिरप होता है शुगर केन से जो बनता है वो येलोइश कलर का होता है। फिर उसको जब बोन चारकोल के ऊपर जो हड्डियों का चूरा बना करके उसको यूज में लिया जाता है, तो उसके ऊपर से जब इसको फ्लो करते हैं ना, तो फ्लो करने से क्या करता है वो उस शुगर का जो येलोइशनेस होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एब्जॉर्प्शन से, और जो शुगर है वो बिल्कुल क्लीन होकर के आती है जो हम लोग मोस्टली यूज में लेते हैं घरों में। तो वो रिफाइनिंग जो प्रोसेस होता है वो बोन चारकोल से होता है। ऐसे ही ये ब्लड चारकोल भी होता है जो ब्लड का एक तरह से सूखा हुआ रूप है, समझ लो आप उसको, ठीक है? और उसके अंदर आप एक्वस क्यूएच डालते हैं, मतलब डाइल्यूट क्यूएच डालते हैं, तब तो उसके अंदर क्या होगा, क्योंकि डाइल्यूट में पानी ज्यादा होता है तो वो बल्क के अंदर तक चला जाएगा, तो नेगेटिव एडसॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं कंसंट्रेटेड केसीएल लेता हूँ, क्यूएच नहीं सॉरी केसीएल बोल रहा था मैं, एक सेकेंड, केसीएल एग्जाम्पल ले लेते हैं, केसीएल सही है। तो अगर अपन वही कंसंट्रेटेड ले लेते हैं तो कंसंट्रेटेड क्या करेगा कि कंसंट्रेटेड सरफेस पर ज्यादा रहेगा, बल्क के अंदर कम जाएगा, ठीक है? और ऐसा एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। अंदर बल्क में ज्यादा है तो नेगेटिव, और सरफेस पर ज्यादा है बल्क में कम है तो पॉजिटिव, ठीक है? तो इस तरह से दो पार्ट में इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं दैट इज चलिए, अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है? तो हम यहां बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है? एड्सॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो कुछ फैक्टर्स तो अपन पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है? वही वापस रिपीट हो रहे हैं, एक्चुअली वहां अपन ने शॉर्ट में ले लिया था। तो पहला अपन जिक्र कर चुके हैं सरफेस एरिया, ठीक है? सरफेस एरिया के बारे में बात कर चुके हैं कि सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? या मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो या तो हाईली पोरस हो, उसमें बहुत छेद बने हुए हो, या फिर वो पाउडर्ड फॉर्म में हो, माइन्यूटली डिवाइडेड हो, तो ऐसे का सरफेस एरिया ज्यादा होता है और वो ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। इसके अलावा दूसरा आता है नेचर ऑफ गैस बीइंग एब्जॉर्ब। हाँ ये चीज समझने वाली है, ये इंटरेस्टिंग भी है समझने वाली भी है। नेक्स्ट टू नेचर ऑफ गैस बीइंग एब्जॉर्ब, ठीक है? जो जिस एब्जॉर्ब के एब्जॉर्ब जो गैस एड्सॉर्ब हो रही है उसका नेचर कैसा है, ठीक है? इस पे ना कंपटीशन एग्जाम में भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे कि कौन सी गैस ज्यादा एड्सॉर्ब होगी। तो इसके लिए एक चीज समझिए आप, एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर सुना तो होगा आपने। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर आप किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे कितना भी प्रेशर बढ़ा दे, ठीक है? मतलब एक फिक्स टेम्परेचर होता है हर गैस के लिए। अगर उस गैस को आप उस टेम्परेचर से ऊपर रखा हुआ है आपने, और फिर आप चाहे कितना ही प्रेशर लगाओ तो वो गैस लिक्विड में चेंज नहीं होगी, हमें टेम्परेचर उस टेम्परेचर से कम लाना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको आप लिक्विफाई कर सकते हो। तो उस टेम्परेचर को आप क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो एक चीज समझना बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ठीक है? गैस का लिक्विफिकेशन का ईज, कि कितनी आसानी से गैस लिक्विफाइड हो जाएगी। तो
तो क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हाई हुआ तो उसको लिक्विड में चेंज करना आसान है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस, तो अगर 35 डिग्री सेल्सियस गर्मी में टेम्परेचर है तो आप उसको लिक्विफाई कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होना चाहिए। तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर मान लो किसी गैस का 60-70 डिग्री सेल्सियस है तो नॉर्मल टेम्परेचर पर अपन उसको लिक्विफाई कर सकते हैं, हाँ उससे ऊपर टेम्परेचर पर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा कि अब जिस लिक्विफिकेशन जितना आसान होगा उस गैस का एड्सॉर्प्शन उतना आसान हो जाएगा। तो यहां इसको आगे लिख देते हैं कि ईज ऑफ लिक्विफिकेशन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस, ठीक है, गैस के एड्सॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा ईज ऑफ लिक्विफिकेशन उतना ज्यादा होगा, एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा और उतना आसानी से वो एब्जॉर्ब हो जाएगी जो आसानी से लिक्विफाई होती है। तो अब इनका ना गैसेस का कुछ ऑर्डर होता है, देखो जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और जैसे जैसे आप इस तरफ जाते हो, इस तरफ जाते हो तो इस तरफ जाते हुए क्या होगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैस का लिक्विफिकेशन बढ़ेगा और साथ ही साथ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा। अब क्या होता है कई बार ना इसको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ इसको लर्न करने की, आपको याद हो जाएगी। आज आपको एक सिंपल सा गाना याद करा देता हूं मैं, ठीक है, इसको याद करने का गाना ही एक तरह से। देखो, हा हाइड्रोजन, ना नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है, मीथेन में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक को मैं हाई लिख देता हूं इससे याद आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया इसको मैं लिख देता हूं अमोनी, ठीक है, और सल्फर डाई, सल्फर डाई लिख देता हूं इसको, ठीक है। अब ये गाना कैसा बना, आपको इसमें गाना नजर नहीं आ रहा, मुझे बहुत शानदार गाना नजर आ रहा है, बहुत बढ़िया रिदम के साथ में। देखिए आप इसको यूं समझे, हाना, हाना इज अ नेम ऑफ अ गर्ल, ठीक है, हाना इज अ नेम ऑफ अ गर्ल का, ठीक है, मीका, मीका मतलब पेरेंटल हाउस, ठीक है, माँ बाप का घर जो होता है, मईका जिसको अपन बोलते हैं, हाना का मईका, हाई, हाई तो पता है ना, हाई फाई, हाना का मईका हाई, अमोनी, अमोनी सल्फर डाई, तो एक वो बन गया, रिदम बन गई। देखो, हाना का मईका हाई, अमोनी सल्फर डाई, इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग, ठीक है। तो अगर आपको ये सॉन्ग याद हो गया तो आपको ट्रिक भी याद हो गई इसको लर्न करने की, तो आपको बस इतना सा ही याद करना है, हाना का मैका हाई अमोनी सल्फर डाई, ठीक है। तो ये फैक्टर इस तरह से इसको अफेक्ट करता है, तो अगर हमें ये फैक्टर ध्यान है तो अपन आराम से याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके बाद